जानेंगे कौन सी खबर। ये देखिए, ये चार खबरें आज आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, संथाल में घुसपैठ पर जारी सियासी घमासान के बीच झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। संथाल में घुसपैठ का सच खंगालने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया। 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। और दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी वो ये कि झारखंड में आतंकियों के फैले नेटवर्क से जुड़ी ये खबर है। पिछले दिनों रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी इश्तियाक अहमद ने एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। खबर सियासी गलियारे से भी रहेगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चुनावी मौसम में बाबूलाल मरांडी पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। खबरों में युवाओं के भविष्य की भी हम बात करेंगे। तो विवादों में आई सीजीएल परीक्षा में शिकायतों को लेकर के जेएसएससी एक्शन में है, और इस मामले में हजारीबाग और रांची के डीसी से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। और सबसे पहले शुरू करेंगे खबरों, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज्य से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संथाल में घुसपैठ मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश दिया गया है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाए सरकार, ऐसा कहना है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ये कमेटी बनाए। 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है, 10 अक्टूबर से पहले हो सकती है कमेटी की बैठक। कमेटी के सदस्यों पर विचार भी करने की निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से हम बता रहे हैं, जहां पर संथाल में घुसपैठ मामले को लेकर के हाई कोर्ट का निर्देश दिया गया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को दिए गई है। ये कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, और 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है, 10 अक्टूबर से पहले कमेटी की बैठक हो सकती है और कमेटी के सदस्य इस पर विचार करें, ऐसा हाईकोर्ट का निर्देश दिया गया है। तो संथाल का मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था, और ऐसे में अब हाईकोर्ट का भी निर्देश दे दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर विचार करें और कमेटी का गठन करें। और देखिए, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत ही गंभीर मामला था ये संथाल का, और ऐसे में बीजेपी लगातार इस मामले को उठा रही है। अब झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश आया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश अब हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने अपना आदेश इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को लेकर सुरक्षित रखा था, और अब आदेश आ चुका है। और देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे समझना होगा कि अब अगली सुनवाई इस मामले की 1 अक्टूबर को, यानी आज 29 सितंबर है, और बीच में एक आपको 30 सितंबर एक तारीख पड़ रही है, मतलब कि 1 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई है उससे पहले केंद्र और राज्य दोनों को एक बैठक करने का निर्देश दिया गया कि आप लोग आपस में पहले एक बैठक करने और एक कमेटी बनाने पर आप लोग निर्णय करने, कमेटी में कौन लोग होंगे, कौन से चेहरे होंगे, इस पर आप लोग पहले तय कर लें। अब दूसरी तरफ की चीजों पर आते हैं। आज अपने आदेश की कॉपी में कोर्ट ने कहा है कि नवंबर 2023 में, जब इस मामले में, जब उस समय जो पूर्व चीफ जस्टिस थे संजय मिश्रा और जो जस्टिस आनंद सेन की बेंच में, उसमें क्या होता है कि सुनवाई जब हुई थी तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि कमेटी बनाने को राज्य सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन आदेश में जिक्र किया गया कि उस समय कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकार तैयार थी, लेकिन अब बाद में राज्य सरकार कमेटी बनाने से इनकार करती रही, मतलब कि तैयार नहीं हुई। तो कोर्ट ने इन दोनों बातों का जिक्र किया, साथ में आदेश की कॉपी में जिक्र किया गया है पूर्व के जो लगातार एफिडेविट फाइल किए गए उसका भी जिक्र किया गया है कि पारा, अलग अलग पारे का जिक्र किया गया है। किसी पारे में कहा गया कि संथाल के जो जिलों के डीसी और एसपी हैं उन्होंने पहले घुसपैठ से इंकार किया, फिर राज्य सरकार ने दूसरे पारे में जिक्र किया, राज्य सरकार ने कहा कि घुसपैठ हो रहा है, फिर एक पारे में ऐसा भी जिक्र है कि जिलों के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं घुसपैठ हो रहा है, राज्य सरकार कह रही नहीं हो रहा है। मतलब अलग अलग एफिडेविट में अलग अलग चीजों का जिक्र आदेश की कॉपी में किया गया है, मतलब समझ सकते हैं कि एक विस्तृत आदेश जो आया हाईकोर्ट का उसमें साफ झलकता है कि अब आपको इस मामले में गंभीरता बरतनी होगी, और जैसे जैसे सुनवाई जो 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, जाहिर है कि इस आदेश के बाद अब कोर्ट का अगला कदम क्या होगा संथाल में घुसपैठ के मामले में, उस अगले कदम की ओर अब सुनवाई आगे बढ़ेगी। जी,
ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस को मिले हैं कई अहम इनपुट, डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े थे और भी युवा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े करीब 6 युवा, तो झारखंड में मौजूद इन युवाओं को भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था बाहर और फिलहाल इन लोगों की पहचान की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से डॉक्टर इश्तियाक समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिए गए थे डॉक्टर इश्तियाक और बाकी आरोपियों से पूछताछ भी हुई, इसमें सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। अब मामले में झारखंड एटीएस भी इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त रांची से बता रहे हैं, एटीएस को कई अहम इनपुट मिले हैं और इश्तियाक से जुड़े थे युवा और इन युवाओं को बाहर भी भेजा जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। AQIS से जुड़े थे 6 युवा। और ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल जो अन्य संदिग्धों की जानकारी एटीएस को मिली है, उन तमाम संदिग्धों का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। इनके बारे में जो सबूत है, जो जानकारियां हैं, उसे इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शुरुआती जो पूछताछ में पिछले दिनों जो ये जानकारी सामने आई थी, उसी के आधार पर ये पूरी जो सत्यता है इस मामले की, उसकी जानकारी जो है एटीएस के द्वारा जुटाई जा रही है। वहीं इस मामले में बता दें कि न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर में 230 से ज्यादा लोग जो है वो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट अलकायदा मॉड्यूल है उससे जुड़े हुए हैं, इस तरह की जानकारी एजेंसियों को भी मिली है। और इसे लेकर भी तमाम जो संदिग्ध हैं, जो 230 लोग हैं, उनकी जानकारियां जो है वो जुटाई जा रही हैं और उनके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई न सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य हिस्सों में भी देश के देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। आप आगे की अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है डॉक्टर इश्तियाक। आपको ग्राफिक्स के जरिए उनकी एक एक जानकारी देंगे। देखिए, मूल रूप से जमशेदपुर के रहने वाला है डॉक्टर इश्तियाक, जिनको लेके हम बता रहे थे। रांची के रिम्स से MBBS इन्होंने किया है। तो डॉक्टर इश्तियाक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, रांची में बरियातू जोड़ा तालाब के पास रहता था ये डॉक्टर इश्तियाक की पूरी जानकारी है। जोड़ा तालाब स्थित एक ही रेसिडेंसी में रहता था। तो डॉक्टर इश्तियाक की एक एक जानकारी, अपार्टमेंट में छापेमारी कर ATS ने इन्हें पकड़ा है। और रांची के मेडिका हॉस्पिटल में 6 साल से ये तैनात था, यानी कि 6 साल से ये डॉक्टर का काम करते थे। और उसके बाद देखिए इनकी आतंकवादियों के साथ संगठन साठगांठ होने लगी। मेडिका अस्पताल की बात कर ले, 3 साल फुल टाइम में वो डॉक्टर का काम किया है, फुल टाइमर डॉक्टर थे ये, और अब आतंकियों की तरह काम करते हैं, युवाओं को ट्रेन करते हैं। हजारीबाग में भी इनका अपना क्लिनिक है और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था डॉक्टर इश्तियाक। तो डॉक्टर इश्तियाक की बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था डॉक्टर इश्तियाक। तो डॉक्टर इश्तियाक अब भारत में आतंकी हमले की जो साजिश रच रहा था और इसी को लेकर के युवाओं को ट्रेंड भी कर रहा था। ये जमशेदपुर का मूल रूप से रहने वाला है और पहले ये डॉक्टर था, MBBS की इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद फुल टाइम डॉक्टर में भी ये पेशे में रहे हैं और उसके बाद इनका खुद का क्लिनिक भी है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और रांची में बरियातू जोड़ा तालाब के पास डॉक्टर इश्तियाक रहता है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची के रातू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले को लेकर के कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा का ये कहना है कि राजनीति में भाषाई गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और जब सीमा लांघी जाती है तो शिकायत होती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा कि अपनी हार को देखकर JMM ने बौखलाहट में फर्जी मुकदमों की झड़ी लगा दी है। तो JMM ने यह कहा कि बाबूलाल मरांडी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। बाबूलाल मरांडी, मैं कहीं ना कहीं
अपने आचरण पर या अपने वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे राजनीति की एक स्वस्थ परंपरा भी हम कह सकते हैं कि शुरू होती है। ये चूंकि इनको पता है कि चुनावों में इनकी बड़ी हार होने वाली है, इसलिए सिर्फ ये बदले की कार्रवाई से प्रेरित है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाबूलाल मरांडी जी का डर सता रहा है, इसलिए ऐसे फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अंततः अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे ही दिया। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी पर तीन तीन थाना में FIR लॉन्च किया गया है, ये इस बात का परिचायक है कि राज्य सरकार बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है और उसे लग रहा है कि अब बाबूलाल मरांडी हमारे शासन, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से चुनौती देकर अब इसे उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शनिवार की देर शाम मैया सम्मान यात्रा चक्रधरपुर पहुंची, जहां उन्होंने 681 महिला समूहों को 3,36,00,000 रुपए का सामुदायिक निवेश निधि की राशि दी गई। इस मौके पर महात्मा गांधी सभागार में यात्री चौपाल भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं से सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम में मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बैरवा और विधायक सुखराम उराव भी शामिल रहे। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने महिलाओं से सरकार की योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने आधी आबादी को मान सम्मान और उनका अधिकार देने का काम किया है। बस मैं पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में आपकी जितनी योजनाएं चल रही हैं, आपको पसंद आ रही है? सावित्री बाई फूले हो, मैया सम्मान हो, आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, विदेश में पढ़ने की बात हो, बिजली बिल 0-0 हो, आपको पसंद आ रही है? ये झारखंड में पहली बार है, ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतनी गहरी और गाढ़ी लकीर खींची है। रांची में अवैध बालू और पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कई गाड़ियों या फिर उनके नंबर प्लेट नहीं होते हैं, या फिर नंबर प्लेट से ऐसे छेड़छाड़ की जाती है कि गाड़ी का नंबर पढ़ना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर यह गाड़ी सड़क हादसे का कारण बने तो इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रांची के ट्रैफिक SP और DTO का ये दावा है कि ऐसी गाड़ियों और गाड़ी मालिकों के खिलाफ MB Act के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। का तो नहीं है, हम लोग MB Act के तहत चलान इशू करते हैं उसको, है ना। चलान के बाद है कि या तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसको हम लोग सीज करते हैं गाड़ी को, और प्रोसिक्यूशंस मान्य न्यायालय या फिर जो कंसर्न्स अथॉरिटी होता है उसके यहाँ भेजते हैं। तो जो फाइन है, हमारा प्रोविजन है MB Act में, उसके तहत कार्रवाई होती है। जी, मामला संज्ञान में आया है कि नंबर को खरोज दिया जा रहा है या मिटा दिया जा रहा है, तो ये पुलिस प्रशासन और परिवहन कार्यालय की तरफ से जो अभियान नियमित रूप से चलती ही रहती है, इस तरह के जो भी वाहने पकड़ी जाएंगी और आगे जो अभियान हम लोग चलाते रहते हैं उसमें और पकड़े जाएंगे। बालू उठाओ को लेकर रांची पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस मामले में कई गाड़ियों को जो है वो जब्त भी किया गया है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बातें ये हैं कि इस बालू जो लदे हुए वाहन होते हैं उसमें नंबरों की आइडेंटिटी जो है वो छिपाई जाती है। कई वाहन में तो नंबर ही नहीं होते, और जिसमें होते भी हैं तो वो इस तरह से होते हैं कि जिसकी जिसे पढ़ा ना जा सके, लोग जो हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रहे, और साफ तौर से अगर कोई दुर्घटना होती है तो भी जानकारी जो है वो प्रशासन को न मिल पाए कि आखिर किस गाड़ी से दुर्घटना हुई है। ज़्यादातर जो बालू के खनन में जो इस्तेमाल होते हैं गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियों का ये हाल है, और हम एक एक कर तमाम गाड़ियों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी गाड़ियों का हाल जो है वो कुछ ऐसा ही है। अब देखना होगा कि प्रशासन और ख़ासतौर से परिवहन विभाग इसे लेकर किस तरह से सक्रियता दिखाता है और क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि जो भी वाहन है उसमें कहीं ना कहीं नंबर जो है वो आइडेंटिटी जो है उसकी छिपाई जा रही है, और ये एक बड़ा कहा जाए तो चुनौती है और सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा थ्रेट है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
आप में से बहुत से लोगों ने वेब सीरीज पंचायत 3 देखी होगी। ये तस्वीर आपको याद होगी जब पुराने पंचायत सचिव का ट्रांसफर कर दिया जाता है और नए सचिव को ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन सरपंच और वहां के सहायक नए सचिव को भाव नहीं देते हैं और अंत में ये नया सचिव ताला तोड़कर ज्वाइनिंग की कोशिश करता है। ये तो बात हुई रियल लाइफ की, ठीक उसी से मिलती जुलती कहानी है रियल लाइफ की भी। और ये तस्वीर है रांची के नामकुम की, जहां नए अंचला अधिकारी यानी कि सीओ को पदभार ग्रहण करने की इतनी जल्दी थी कि सीओ ने कार्यालय का ताला तोड़कर ज्वाइन किया। नए सीओ राम प्रवेश कुमार ने बिल्कुल अपने नाम को सार्थक किया और कुछ सहयोगियों की मदद से ताला तोड़कर सीओ कार्यालय में प्रवेश किया। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों की कहानी एक जैसी है। दोनों ही तस्वीरों में तय समय से पहले ज्वाइनिंग करनी थी और दोनों की ऑफिस में ताला लटका था। वेब सीरीज में नए पंचायत सचिव ने हथौड़ा चलाया था और उससे ताला को तोड़ा था और रांची में सीओ ने ईंट से ताला तोड़ा। अब खबर यह है कि ताला तोड़कर ज्वाइनिंग करने वाले नामकुम के सीओ राम प्रवेश पर जांच की बात कार्रवाई भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब कोडरमा से। कोडरमा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की वजह से डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल कोडरमा में 32 लोग डेंगू के संदिग्ध मरीज हैं, जिसमें से कुल 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कई लोग घरों में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं तो कई लोग रांची और हजारीबाग के अस्पतालों में इलाजरत हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। अभी तक हमको 32 केस जो है सो सरकारी रिपोर्ट में आया है, जिसमें सस्पेक्टेड था, उसके लिए हम लोगों ने रिपोर्ट को हजारीबाग इलाजा के लिए भेजा गया है कन्फर्मेटरी के लिए, जिसमें से हमारा जो है 13 पॉजिटिव पाया गया। हताहत नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, किसी तरह का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और अब खबर गिरिडीह से। गिरिडीह के सरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कुल्हरिया टोला के लोग डायरिया से परेशान हैं। डायरिया की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गांव पहुंची और लोगों को आवश्यक जानकारी दी। जितना परहेज हो सके करिए, बीमारी नियंत्रित रहेगा, नहीं तो आगे चूंकि बरसात के दिनों में ये सब बीमारी होता है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे